हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ आपको मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज एक बहुत बढ़िया अपडेट आ रही है आपके लिए, अपडेट आ रही है TIFR की तरफ से, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज की तरफ से। भैया यहाँ पर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। गेट का स्कोर कार्ड अगर आपके पास नहीं है फिर भी आप बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं है, फ्री है, आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। डिटेल में हम इसके पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, क्या होने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या होने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर, हर एक चीज, हर एक डिटेल आप बस आखिरी तक बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, दिल से इस वीडियो में एक प्यारा लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरी भी हेल्प होगी, फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया अपडेट आ रही है NCBS की तरफ से, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज की तरफ से। TIFR के अंदर आता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, यहाँ पर निकली हुई ग्रेजुएट ट्रेनिंग की वैकेंसी, जिसके लिए फ्रेशर्स BE BTech आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल गुरु चैनल है तो मैकेनिकल वालों के लिए तो ये वैकेंसी बिल्कुल खास है। नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर कम है, लेकिन आपको वह नहीं देखना है। अगर आपके लिए मौका निकला है तो आपको अप्लाई जरूर करना है, क्योंकि फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं है और आपको यहां पर ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। डिटेल में मैं इस वीडियो में आपको हर एक डिटेल बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्वालिफिकेशन की, कौन एलिजिबल है, कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है। तो बीई बीटेक वाले हैं, अगर आप 75% के साथ अगर आप पास आउट हो चुके हैं आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांचेस अगर आप केमिकल, मैकेनिकल, मटेरियल साइंस, बायोमेडिकल या फिर इससे रिलेटेड अदर स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। जब आप फर्स्ट पेज में, मेन जॉब के होम पेज में देखेंगे तो 60% वहां क्राइटेरिया लिखा हुआ है, जबकि जब आप नोटिफिकेशन खोल के देखेंगे तो 75% क्राइटेरिया लिखा हुआ है। तो हम नोटिफिकेशन के क्राइटेरिया को ही फाइनल मानेंगे, क्योंकि भैया इतना परसेंटेज के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट कम है तो जाहिर सी बात है कट ऑफ परसेंटेज तो यहाँ पर अच्छा खासा जाने वाला है। खाली बीई बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास MEMTech है, केमिकल में, मैकेनिकल में, मटेरियल साइंस में, बायोमेडिकल में या फिर इससे रिलेटेड अदर स्ट्रीम्स में आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास MSc है फिजिक्स में, बायोलॉजी में, तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस फ्रेशर्स के लिए नहीं मांगा गया है, जितना भी एक्सपीरियंस मांगा गया है, जितनी भी स्किल्स यहाँ पे मांगी गई है वो डिजायरेबल है, वो एसेंशियल नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ पर जो स्किल्स मेंशन की गई है वह स्किल्स अगर आपके पास नहीं है तो भी आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक्सपीरियंस के कॉलम के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सी चीजें यहाँ पर बोला गया, जैसे एक्सपर्टाइज इन बैक्टीरिया कल्चर या फिर एक्सपर्टाइज इन मैमेलियन सेल कल्चर। तो यह सब अगर आपके पास नहीं है, इस तरह की स्किल अगर आपके पास नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर आपकी जॉब लगती है तो ये जॉब होने वाली है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। यह कॉन्ट्रैक्ट आपका सबसे पहले 1 साल का होगा, उसके बाद 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी है 2, लेकिन वैकेंसी नहीं देखना है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको अप्लाई जरूर कर देना है। परसेंटेज यहाँ पर मांगा गया है 75% मिनिमम या फिर 7.5 CGPA, पास आउट हो चुके हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर भी आप फाइनल ईयर में है, पढ़ाई कर रहे हैं, BE BTech कर रहे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो 30 साल एज लिमिट रखी गई है। अगर आपका सिलेक्शन होता है और गेट का स्कोर कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी 25,000 rupees पर मंथ, प्लस आपको 24% HRA मिल जाएगा। अगर आपके पास गेट का स्कोर कार्ड है, वैलिड गेट का स्कोर कार्ड है, तो यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी 31,000 rupees पर मंथ, प्लस आपको 24% HRA हाउस रेंट अलाउंस मिल जाएगा। फॉर्म भरने की आखिरी डेट के बारे में बात करें तो 15 जुलाई 2021, 15 जुलाई फॉर्म भरने की आखिरी डेट रखी गई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना है। अब हम बात करते हैं कि आपको इसमें किस तरीके से अप्लाई करना है। तो जैसे मैंने बताया आपको पूरी तरीके से ऑफलाइन अप्लाई करना है। बेसिकली यहाँ पर आपको ईमेल करना है, आपको जो CV है, आपका रेज्यूम जो है वह आपको ईमेल करना होगा। नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनके लिए एक ईमेल आईडी दी गई है tapa@ncbs.res.in। इस ईमेल आईडी पर आपको ईमेल करना है, उसका सब्जेक्ट होने वाला है एप्लीकेशन फॉर द ग्रेजुएट ट्रेनी पोजीशन, और आपका रेज्यूम, आपका CV आपको वहां पे अटैच करना है, और साथ साथ आपको रिसर्च में क्यों इंटरेस्ट है, आप इस पोजीशन में क्यों आना चाहते हैं,
300 वर्ड्स तक आपको वहां पर लिख के बताना होगा और आपको सिंपली एक ईमेल सेंड कर देना है। सिंपल प्रोसीजर है, ईमेल के थ्रू ही आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भी अभी यहाँ पर नहीं मांगा गया है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो सिलेक्टेड कैंडिडेट को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाएगा। ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर। तो जिनका सिलेक्शन होगा उनको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए लिंक भेजी जाएगी, उनको ईमेल किया जाएगा, एसएमएस किया जाएगा, उन्हीं को इनवाइट किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आपको फ्यूचर में इनकी तरफ से कोई भी ईमेल, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूं। क्या आप इसके लिए इंटरेस्टेड है, क्या आप इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं, जरूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में। आपको ये वीडियो कैसा लगा भाई जरूर बताइएगा, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए लाइक जरूर करना भाई, इसे शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान जय किसान।